Now our next topic is the Sena spectabilis. Okay, S-E-N-N-A, Sena spectabilis. Sena spectabilis is an exotic species. It's an exotic plant, in fact. Okay, ये एक exotic plant है. And what it is, we will see. So this plant is invading the forest area of the Nilgiri Biosphere Reserve. So ये Nilgiri Biosphere Reserve को basically ये plant invade कर रहा है, because it is an exotic species. ये एक exotic species है. Okay. So it is posing a threat to the native species of this reserve, and that's why this plant was in news. आज के लिए question काफी आते हैं exotic species के ऊपर, इस तरह questions काफी आ जाते हैं. So ये याद रखना आप लोग. Okay. कि Sena spectabilis is a exotic species that is found in the Nilgiri Biosphere Reserve and that is threatening to the existing or native species of India. अभी आप लोग बताओ कितने बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग ने, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में? How many बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर? आई होप ये कि आप चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, ये आप लोग होमवर्क भी कर चुके हैं, हम लोग क्लास में भी बात की थी उनके बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर. यस, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर? एंड नीलगिरी में कौन कौन से बायो एरियाज आते हैं? नीलगिरीज में कौन कौन से नेशनल पार्क? सर टोटल 18 है. राइट, 18. तो नीलगिरी में कौन कौन से आते हैं एरियाज, नेशनल पार्क और सेंचुरीज कौन कौन से आती हैं? साइलेंट वैली थी एक तो. राइट, साइलेंट वैली, केरला. व्हाट एल्स? सो बिकॉज़ नीलगिरी इज अ बॉर्डर कर्नाटक. ऑल राइट, क्योंकि तीनों पे आता है. नीलगिरी इज एट द बॉर्डर ऑफ द कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, तीनों के बॉर्डर पे आता है. तो तीनों के बॉर्डर पे देखो कौन कौन से हो सकते हैं. नागर हो, आई थिंक नागर वाज आल्सो देयर. नागरहोल एंड तमिलनाडु का मुंडमलाई, मुंडमलाई बेसिकली ये भी था, है ना, सेंचुरी. तो ये सब चीजें बस याद रखने वाली हैं. सो अभी देखो इसमें. सो दिस एक्सोटिक स्पीशीज दैट इज सेना स्पेक्टाबिलिस फाउंडेड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज थ्रेटनिंग टू द नेटिव स्पीशीज ऑफ दिस रिजर्व. इट इज अ स्पीशीज ऑफ लेग्यूम फैमिली. सो एक लेग्यूम फैमिली का स्पीशीज है. लेग्यूम का मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रोजन से पहले अमोनियम बनाते हैं फिर नाइट्रेट बनाते हैं. तो वो सारे प्लांट जैसे कि दालें होती हैं, पल्सिस होती हैं, वो भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं. ओके, बिकॉज़ दे कैन फिक्स नाइट्रोजन. एंड लाइकवाइज दिस सेना स्पेक्टाबिलिस आर आल्सो लेग्यूम प्लांट्स फर्स्ट ऑफ. एंड दिस प्लांट सेना स्पेक्टाबिलिस आल्सो नोन एज द गोल्डन वंडर ट्री, अमेरिकन कासिया, पॉपकॉर्न ट्री, कासिया एक्सेलिसा. ओके, इसको ये भी बोला जाता है. तो मे बी आपको ये ना वर्ड आके सेना स्पेक्टाबिलिस ना के एग्जाम में ये आ जाए, गोल्डन वंडर ट्री, अमेरिकन कासिया, पॉपकॉर्न ट्री, कासिया एक्सेलिसा, ये सब आ जाए. ओके, सो व्हाट आर द अफेक्टेड एरियाज? तो ये जो सेना स्पेक्टाबिलिस है कौन कौन से एरियाज को अफेक्ट करेंगे? वन इज वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली इन द केरला. ओके, नागरहोल टाइगर रिजर्व दैट इज इन कर्नाटक एंड मुंडमलाई टाइगर रिजर्व दैट इज इन द Tamilnadu. So these areas will be get affected because of this species. Okay. So the Kerala Forest Department has developed some physical and chemical measures to tackle the threat of the plant. So Kerala Forest Department recently has disclosed that it is working against this the spread of this plant. Okay. Thanks for watching our video. Please like, share, and subscribe.